मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 सर्कल्स के सब टॉपिक के अंदर कुछ थ्योरम्स करने जा रहे हैं। थ्योरम 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 एंड 10.12। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पहली थ्योरम 10.8, द एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबस्टेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब है, देखिए स्टूडेंट्स, ये एक फिगर आपको दिख रही है। इस फिगर में अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारे पास पी ओ क्यू, और ये आप देखें तो ये है हमारे पास पी क्यू। दिस पी क्यू इज द आर्क, और इस पी क्यू आर्क की वजह से हमारे पास सर्कल में दो एंगल्स बन रहे हैं। एक बनता है एंगल पी ओ क्यू, एंड सिमिलरली ये हो गया सेंटर पे एंगल, और उसी तरीके से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में इसी पी क्यू आर्क से एक और एंगल बन रहा है, एंड दैट एंगल इज पी ए क्यू। हमें थ्योरम ये कह रही है कि ये जो पी क्यू पी ओ क्यू एंगल है वो दो गुना होगा किससे, जो एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बना है, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कौन सा एंगल है, वो है पी ए क्यू। तो स्टूडेंट, सबसे पहला काम है हमारे पास गिवन का, जो अभी तक हम करते आए हैं वही हम यहां पे भी करेंगे। गिवन है हमारे पास एन आर्क पी क्यू ऑफ द सर्कल सबस्टेंडिंग एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर ओ एंड पी ए क्यू एट ए पॉइंट ए। दैट मीन्स एंगल हमारे पास एक है एंगल पी ए क्यू, और दूसरा एंगल है हमारे पास पी ए क्यू, जो कि इस पॉइंट ए पे बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करने वाले हैं टू प्रूफ की। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि थ्योरम हमें बोल रही है कि जो सेंटर वाला एंगल है वो दो गुना बड़ा होगा किस वाले एंगल से, ये वाला एंगल जो ए पॉइंट के ऊपर बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये वाला एंगल हमारे पास बड़ा होगा इस वाले एंगल से, और कितना बड़ा होगा, दो गुना बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहां पे कंस्ट्रक्शन की। स्टूडेंट्स, यहां पे क्या है, एओ को, एओ इज द ओ जो है सेंटर है सर्कल का, तो हमने ए से ओ तक इसको ज्वाइन किया और फिर एक्सटेंड किया इसे पॉइंट बी तक। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आगे चलते हैं हम प्रूफ में। तो इन ऑल द केसेस, अब यहां पे केसेस और कौन कौन से हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये मैं बताता हूं। एंगल बी ओ क्यू, देखिए ये वाला एंगल है हमारे पास एंगल बी ओ क्यू, फिगर में देखेंगे तो एंगल हो गया बी ओ क्यू, ये वाला एंगल, ये क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है किस ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल ओ ए क्यू का। ठीक है स्टूडेंट, तो बी ओ क्यू को मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू, यानी ये वाला एंगल, दिस एंगल, ये वाला एंगल प्लस एंगल ए क्यू ओ, यहां पे ओ नहीं लिखा है, इसको मैं यहां पे करेक्ट कर देता हूं, ए क्यू ओ, यानी ये वाला एंगल। इसका मतलब है कि ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का जो प्लस है उसके इक्वल होता है, ये हमने थ्योरम पढ़ी हुई है पहले। तो इसके लिए हम रीजन लिखेंगे, बिकॉज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। उसी तरीके से ऑल्सो इन ट्राइंगल ओ ए क्यू, अब हम आगे ट्राइंगल ओ ए क्यू में, ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू, ये वाला ओ ए ओ क्यू के क्या है, इक्वल है। अगर ओ ए ओ क्यू के इक्वल है तो दैट मीन्स ये दोनों के दोनों रेडियस हैं सेम सर्कल के। अगर ये दोनों के दोनों सेम है तो मैं लिख सकता हूं कि ये वाला एंगल ओ ए क्यू और एंगल ए क्यू ओ दोनों के दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ये अगर आप देखें तो ये आइसोसेलस ट्राइंगल बन गई जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में
इक्वल हो जाएगा, दोनों एंगल जो है यहां पे इक्वल हो जाएंगे। तो अगर दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, इनको हम लिख सकते हैं बी ओ क्यू, यानी ये वाला एंगल बी ओ क्यू, देखिए स्टूडेंट्स ये वाला एंगल बी ओ क्यू जिसको मैं येलो कर रहा हूं, दिस एंगल इज ट्वाइस एंगल, कोई भी नाम हम दे सकते हैं, मैं ट्वाइस एंगल टू ओ ए क्यू लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसको मैं यहां पे लिख रहा था दिस प्लस दिस, तो ओ ए क्यू मैं दो बार लिख रहा हूं बिकॉज दोनों के दोनों एंगल जो है मैंने इक्वल बता दिए इस वाले स्टेप, ठीक है स्टूडेंट्स। उसी तरीके से अगर हम दूसरी ट्राइंगल में आ जाएं, इस वाले ट्राइंगल में आ जाएं, तो क्या होगा, अगेन हम ये भी लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल बी ओ पी, ये देखिए यहां पे हमारे पास इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल बी ओ पी है ये वाला भी इक्वल होगा इसके प्लस इसके, अगेन दोनों सेम है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि एंगल बी ओ पी जो है ट्वाइस है एंगल टू ओ ए पी, टू ओ ए पी, ये वाले दोनों एंगल दोनों दुगने दुगने हो गए। तो अगर हम इन दोनों को अब ऐड कर देते हैं, लेट्स ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम वन एंड सेकंड लिख रहे हैं, यहां पे आप एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल टू ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए क्यू। देखिए जरा एंगल बी ओ पी और बी ओ क्यू, ये आ गया एंगल बी ओ पी, ये देखिए एंगल बी ओ पी ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ क्यू ये वाला एंगल, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा एंगल पी ओ क्यू फिगर से। सिमिलरली अगर इसको आप देखेंगे एंगल ओ ए पी, ये है हमारे पास ओ ए पी और यहां पे है ओ ए क्यू, दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा ये वाला एंगल पी ए क्यू। तो यहां पे हम दोनों ऐड किया है हमने और उसके बाद एंगल ये हमारे पास एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी एंगल पी ए क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स ये फिगर मैंने बनाई थी इस तरीके से, अगर फिगर किसी और तरीके से होती, जैसे कि फिगर ऐसे भी हो सकती थी और फिगर ऐसे भी हो सकती है। नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले इस थर्ड फिगर की बात में मैं करता हूं, यहां पे देखिए स्टूडेंट्स सेम टू सेम है, क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं, मैंने एक केस इसलिए लिया था पहले सो दैट कि आप इजिली जो है इसको देख सको, ठीक है। अगर इस वाले केस में भी मैं बात करूं, इसको हमने एनलार्ज किया तो ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और इस साइड से भी सेम होगा। इसको अगर हम ले लें तो दिस प्लस एंगल ये वाला प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, सिमिलरली यहां पे इन दो को प्लस करना पड़ेगा, तो यही बाकी तो सेम टू सेम रहेगा बिकॉज मैंने नेम्स भी सेम रखे हैं, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। लेकिन उस केस में पी ओ क्यू, यहां पे एंगल पी ओ क्यू कौन सा होगा, ये बाहर वाला एंगल ये वाला, इसका मतलब दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल, तो ये हो गया ट्वाइस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू, यानी रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू जो है किसके इक्वल होगा, पी ए क्यू, दो गुना पी ए क्यू के ये एंगल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बाहर वाला एंगल था दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब इस वाले केस में भी अगर देखें तो सेम अगेन, यहां पे हम इसको लेंगे तो ये प्लस ये हो जाएगा। अगेन मैंने कहा अगर आप इनमें से कोई भी डायग्राम ले लेते हैं तो आपको सिर्फ यही लिखना है, लेकिन मैं यहां पे तीनों केसेस आपको बताना चाह रहा था, इसलिए ये वाला था फर्स्ट केस जो हमने यहां पे डिसाइड लिखा। सेकंड केस में भी नेम सेम रहेंगे, बट यहां पे क्या है कि पी क्यू जो है, या जो पी क्यू जो आर्क है हमारी, ये सेंटर ऑफ द सर्कल से जा रही है, इसका मतलब ये जो पी क्यू जो है ये जो है हमारे पास एक सेमी सर्कल है, ठीक है। तो सेमी सर्कल में हमारे पास अगेन हम ये लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट इस सेमी सर्कल, ये जो सेकेंड केस है, इसका एक और स्पेशल केस मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस केस में एंगल किसके इक्वल हो सकता है, यानी एंगल्स कितने डिग्री का हो सकता है, उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं।
एंगल्स इन सेमी सर्कल इज द राइट एंगल, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये राइट एंगल कैसे होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या किया कि जो एंगल जो हमने थ्योरम पढ़ी वही थ्योरम हमने प्रूव किए वहां पे, इसी इस वाली फिगर से भी हमने वहां पे प्रूव किया है। तो द एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्टेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल डी ओ क्यू, ये ट्वाइस होगा एंगल पी ए क्यू के, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू हाफ एंगल पी ओ क्यू, या फिर हम उल्टा भी लिख सकते हैं टू एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू पी ओ क्यू, ठीक है। अब पी ए क्यू अगर आप यहां पे देखें इस फिगर में, तो पी ओ क्यू क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल है, दैट मीन्स ये एक सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज अ 180 डिग्री, और फ्रॉम द फिगर यू कैन से दैट इट्स अ लीनियर पेयर। तो मैं लिख देता हूं इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो पी ए क्यू फर्दर किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री की। ये एक स्पेशल केस था, इसमें हम बता सकते हैं कि एंगल जब भी फॉर्म होगा आर्क से, आर्क का मतलब है अगर पी क्यू आर्क उस अगर सेमी सर्कल बना रही है, यानी अगर पी क्यू जो है सेमी सर्कल आर्क है, यानी आर्क जो है एंड ऑफ द डायमीटर भी बोल सकते हैं या लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी बोल सकते हैं, तो उस केस में एंगल हमारे पास हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो इससे हमें पता चल गया कि एंगल जब भी सेमी सर्कल में बनेगा तो वो हमारे पास एक राइट एंगल होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं हम थ्योरम 10.9 की। 10.9 थ्योरम हमें क्या कहती है, द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, एंगल जो है सेम सेगमेंट जो है वो इक्वल होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक्स में आपको इस तरह की फिगर मिलेगी, लेकिन इस फिगर में हमने सबसे पहले सेगमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अब मैंने पी क्यू एक कॉर्ड यहां पे ड्रा कर दी, तो पी क्यू जब मैंने कॉर्ड ड्रा कर दी तो अब मेरे पास दो बन गए हमारे पास सेगमेंट। एक बन गया मेरे पास ये वाला सेगमेंट, दिस पार्ट जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये एक सेगमेंट बन गया, इसको माइनस सेगमेंट भी कह सकते हैं। और दूसरा बन गया ये रेस्ट ऑफ द पार्ट, ये भी है हमारे पास सेगमेंट, तो ये बन गया मेजर सेगमेंट। तो हमें बोला गया कि एंगल जो है सेम सेगमेंट में, अगर एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, यानी इस वाले सेगमेंट में दोनों के दोनों सर्कल, दोनों के दो एंगल्स बन रहे हैं, वो इक्वल होंगे, वो हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। यानी इस केस के केस में हम जो सेगमेंट की बात करेंगे वो बात करें हम मेजर सेगमेंट में अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गिवन की। तो स्टूडेंट, पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड एंगल पी ए क्यू इज द एंगल फॉर्मड इन द सेम सेगमेंट पी ए क्यू पी। यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो एंगल्स हैं, एंगल पी ए क्यू और एंगल पी सी क्यू, जो मैंने यहां नहीं लिखा है आप इसको लिखेंगे। पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू एंड एंगल पी सी क्यू एंड एंगल पी सी क्यू, ये दोनों के दोनों एंगल जो हैं फॉर्म्ड हुए हैं सेम सेगमेंट, कौन से वाले सेगमेंट में, पी ए क्यू पी, ठीक है, पी ए क्यू पी, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये देखो पी, ये आ गया ए, ये आ गया क्यू, और ये आ गया फिर से हम पी के बारे में बात करें, तो ये बन गया हमारे पास पूरा का पूरा सेगमेंट, ठीक है। इसलिए हमने इसका नाम इस तरीके से दिया हुआ है, अदरवाइज हम इसको नाम इस तरीके से भी दे सकते थे, इस यहाँ पे पी ए सी क्यू पी, ठीक है, ये हमारे पास पूरा का पूरा जो है सेगमेंट जो है कंप्लीट हो जाता, पी ए सी क्यू, ये हमारे पास पूरा का सेगमेंट है। इस सेगमेंट में हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल्स जो इसमें बने, एंगल पी ए क्यू और पी सी क्यू, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो टू प्रूफ में हम कर रहे हैं एंगल पी सी क्यू, देखो पी सी क्यू एंगल और एंगल पी ए क्यू जो है ये हमने इक्वल करना है, ये हमारे पास टू प्रूफ है। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, एज एंगल पी ओ क्यू, देखिए एंगल पी ओ क्यू मैं हाईलाइट कर देता हूं, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज सब्टेंडेड बाय द माइनर आर्क पी ओ क्यू एट अ सेंटर।
यहां पे देखिए ये जो पी क्यू है ये माइनर आर्क है, इस माइनर आर्क से सबस्टेंड हुआ एंगल यहां पे, और इसी माइनर आर्क से एक और एंगल सबस्टेंड हुआ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में, एंगल पी ए क्यू, ठीक है। और सिमिलरली पी सी क्यू भी जो है सबस्टेंड हुआ है इसी की वजह से एक रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो एंगल पी ओ क्यू है, ये वाला एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल पी सी क्यू, इसके दुगना होगा, ये हमने अभी थ्योरम पढ़ी। और सिमिलरली इसी पी क्यू आर की वजह से एक और एंगल सबस्टेंड हुआ है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में, तो इसका मतलब एंगल पी ओ क्यू उस केस में भी इक्वल होगा ट्वाइस एंगल पी ए क्यू में, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये और ये दोनों के दोनों जो हैं इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ट्वाइस पी सी क्यू इज इक्वल टू पी ए क्यू, ठीक है। ये टू और टू आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा एंगल पी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ए क्यू। नाउ स्टूडेंट्स ये बहुत इजी थ्योरम थी, तो हमने इसको प्रूफ भी कर दिया है। दिस इज थ्योरम 10.10. इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स सबस्टेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द फोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल दैट इज दे आर कंसाइक्लिक। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अपोजिट जो हमने पहली थ्योरम की उसका अपोजिट हमसे यहाँ पे पूछा है, या कन्वर्स हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि अगर एक लाइन सेगमेंट जो है ज्वाइन करती है टू पॉइंट्स पे, सबस्टेंड करती है इक्वल एंगल, यहां पे एंगल जो है इक्वल जो है सबस्टेंड किए गए हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द फोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, दैट मींस कि यहां पे हमें बताया गया कि ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, ये हो गया हमारे पास ए पॉइंट और ये हो गया पॉइंट बी, इसकी वजह से दो जो हैं हमारे पास इक्वल एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला यहाँ पे एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, ठीक है। तो हमें बताया गया कि बताओ कि भाई ये जो डी वाला पॉइंट है, पॉइंट डी जो है ये जो है सर्कल के ऊपर तब लाई करेगा, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो ये पॉइंट जो डी है ये उस समय लाई करेगा सर्कल के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे, तो गिवन में हम क्या लिख रहे हैं, गिवन ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, देखिए ए बी इज अ लाइन सेगमेंट विच सबस्टेंड इक्वल एंगल्स एट टू पॉइंट सी एंड डी दैट इज एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूफ में हमने करना है ए बी सी एंड डी लाई ऑन द सर्कल, ए बी सी और डी जो है सेम सर्कल के ऊपर लाई करता है, लेट अस ड्रॉ अ सर्कल थ्रू द पॉइंट्स ए सी बी। नाउ स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है कि हमने तीन पॉइंट से जो है एक सर्कल ड्रा करना है, तो हमने पहले ही आपको बताया है कि तीन पॉइंट से सर्कल कैसे पास होता है, उस केस में हम क्या करते हैं, लेट द थ्री नॉन क्लियर पॉइंट्स ए सी एंड बी, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इस लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट ए सी इन दो का हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के बाद हम क्या करते हैं, सेंटर जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है वहां से लेके इस एक पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट या सी पॉइंट के ऊपर हम उतना कंपास खोल के एक सर्कल ड्रा करते हैं, तो हमारा जो है ये सर्कल जो है ड्रा हो जाता है। ये मैं आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करके बता रहा हूँ, अगर आपने ये पहली वाली क्लास मिस की हो तो दोबारा से उस क्लास को देखिएगा, वहां पे मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से तीन नॉन क्लिनर पॉइंट से हम एक सर्कल को जो है ड्रा कर सकते हैं। नाउ अब पॉइंट फोर की बारी है, यानी पॉइंट डी की बारी है कि वो कैसे गुजरेगा। नाउ सपोज इट डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट डी, सपोज करो कि ये जो सर्कल है ये डी पॉइंट से नहीं गुजरता, अगर ये डी पॉइंट से नहीं गुजरता है तो इसका मतलब या ई डैश से गुजरता होगा या ई से गुजरता होगा, ई से गुजरेगा तो हम क्या करेंगे, डी ई जो है लाई करेगा इनसाइड द सर्कल और ई डैश जो है आउटसाइड द सर्कल, यानी उस केस में हम ए डी को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, इतना समझ आ गया।
नाउ इफ पॉइंट ए सी ई एंड बी लाई ऑन द सर्कल, अब देखिए इस वाले केस की बात करते हैं, इस वाले केस की ई की, कि अगर पॉइंट ए सी ई बी लाई करते हैं सर्कल में तो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि हमने बताया था ना कि इस वाले सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनेंगे वो एंगल जो है इक्वल होंगे। तो यहां पे इस फिगर से अगर आप देखोगे तो ये वाला एंगल ए सी बी इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये ई जो है ये सर्कल के ऊपर है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास गिवन जो है ऑलरेडी वो क्या है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये तो मेरे पास गिवन है, ये मेरा रीजन आ गया, और ये यहां पे दूसरा रीजन आ गया कि ये दोनों गिवन है। तो ए सी बी एक साथ ए ई बी और ए डी बी के इक्वल तो नहीं हो सकता है, ये इक्वल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ तब जब ए ई बी और एंगल ए डी बी जो है आपस में इक्वल होंगे। और ये एंगल्स इक्वल कब होंगे, जब ये वाला ई इस डी के साथ कोइंसाइड करे, या फिर सेम केस ई डैश के साथ भी हम लिख सकते हैं कि ई डैश जो है डी के साथ कोइंसाइड करे, यही दो केसेस हो सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल अनलेस ई कोइंसाइड्स विद द डी, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जितनी देर में कि ये ई या ई डैश दोनों की बात करें, ई डैश ये ई जो है कॉन्साइड करे डी के साथ, या फिर ई डैश यहां पे उस केस में यहां पे एंगल आ जाएगा ई ए डैश बी, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो हैं ये कॉन्साइड करने चाहिए डी के साथ, अगर ये डी के साथ कॉन्साइड करते हैं तो देन ओनली, कॉन्साइड का मतलब है कि ये जो पॉइंट डी है इट इज प्रेजेंट ऑन द सर्कल, तो हम लिख सकते हैं हेंस इट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन डी इज ऑन द सर्कल। सो स्टूडेंट दिस इज थ्योरम 10.10 एंड होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि एक हम चार पॉइंट्स को पास करवा रहे हैं एक सर्कल से, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिस इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो अब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होती है, अ कोऑर्डिनेटर एबीसीडी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द फोर वर्टेक्सेस ऑफ इट लाई ऑन ए सर्कल। देखिए स्टूडेंट्स बोल रहा है कि हम किसी भी कोऑर्डिनेटर को साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तब बोलेंगे जब उसके सारे के सारे वर्टेक्सेस यानी वर्टेक्स ए बी सी एंड डी इफ ऑल इट्स वर्टेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सर्कल, यानी इस सर्कल के ऊपर जो है ये चारों के चारों वर्टेक्सेस होंगे। तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कोऑर्डिनेटर की, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स of a cyclic coordinator is 180 degree. That means ये वाला angle plus ये वाला, ये opposite angle आ गया और ये भी opposite angles आ गया. That means कि ये वाले जो angles हैं ये इसमें equal, a plus c is equal to 180 degree and b plus d is equal to 180 degree. ये है cyclic coordinator की property. Now students यही हमारी थ्योरम 10.11 भी है कि हमें बताना है उसमें कि द सम ऑफ इधर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। तो उस केस में हम गिवन लिखेंगे एबीसीडी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। उसके बाद टू प्रूफ में हम लिखेंगे एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो मैंने कहा ये प्रॉपर्टी है लेकिन थ्योरम में हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल ए प्लस सी और बी प्लस डी जो है 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे प्रूफ, तो प्रूफ में हम ज्वाइन करेंगे एसी और बीडी को। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया एसी को और ये ज्वाइन किया हमने बीडी को, ठीक है स्टूडेंट्स। और ज्वाइन करने के बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इन एंगल्स का जो है हर बार नाम लिखना टफ हो जाएगा तो हम इनको नंबरिंग दे देते हैं, एंगल वन एंगल टू लेट इट बी दिस इज एंगल थ्री दिस इज एंगल फोर, हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए ये नाम मार्किंग कर रहे हैं, एंगल्स की नेम कर रहे हैं। ये आ गया सेवन एंड दिस इज सेवन एंड दिस इज एट, फाइन ये हमने कर दिया। ये मार्किंग करने के बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हम लिख रहे हैं एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सेवन। देखिए स्टूडेंट्स एंगल टू और एंगल सेवन अगर हम इस वाले पार्ट की करें बात बीसी और इस सेगमेंट के बारे में बात करें तो ये वाला इस तरीके से एंगल, मैं एक ही आपको करके बता रहा हूं, ये देखिए ये येलो वाला जो आप लाइन दिख रहे हैं ये देखिए ये बना एक, यानी यहां पे आ गया एंगल टू,
इस सेगमेंट ये में ये बन रहा है, इसी सेगमेंट में ये वाला एंगल भी बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स 2 प्लस 7 जो है आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों एंगल्स इक्वल होंगे, मैंने अभी बता दिया, ये वाला एंगल जो है दे आर ऑन द सेम सेगमेंट। सिमिलरली 5 और 8 अगर इस वाले ए बी को हम इस वाले आर्क को देखें तो ये बन जाएगा माइनर सेगमेंट और ये बन जाएगा मेजर सेगमेंट। तो उस केस में ये वाला एंगल एंगल 5 के बराबर होगा एंड सो ऑन। ये मैंने लिख दिया, ये सारे के सारे एंगल जो हैं हमारे पास इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एंगल जो हैं एंगल्स में इकट्ठे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सबके लिए मैंने एक ही रूल एक ही रीजन लिख दिया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। आप इंडिविजुअली करके भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और वहां पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेगमेंट। हैंड राइटिंग थोड़ी गलत गंदी लग रही है, ये आ गया जी हमारे पास इन सब का रीजन। यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते थे बी सी इज अ आर्क विच सब्सटेंस एंगल 2 एंड एंगल 7, तो देयर फॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड सिमिलरली यू कैन राइट ऑल अदर्स। इन सब के बारे में आप ऐसे ही लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमें ये पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, अगर क्वाड्रिलेटर सिंपल क्वाड्रिलेटर हो या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो, उनका सम जो है 360 डिग्री के इक्वल होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर और यू कैन राइट हियर अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक, यहाँ पे साइक्लिक भी आप ऐड कर सकते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इस क्वाड्रिलेटर के एंगल क्या है, एंगल तो मैं इनको इस बड़े वाले एंगल को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं इसी तरीके से लिखता हूँ एंगल 1 + 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ व्हाट वी कैन डू, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद रखने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमें टू प्रूफ में ये करना है ए प्लस सी, तो ए ये वाला एंगल आ जाए और सी आ गया मेरे पास ये वाला एंगल, तो मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं 1 2 को, बाकी 1 2 और 5 6 को। देखिए यहां पे 1 और 2, ये आ गया एंगल 1, ये आ गया एंगल, ये आ गया 1, ये आ गया 2। इसी तरीके से दूसरी जगह मुझे चाहिए 5 और 6, ठीक है स्टूडेंट। दैट मीन्स जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या बच गया 3 4 7 and 8, इन 3 4 7 8 को मैं रिप्लेस करूंगा उनके अपोजिट जो इक्वल एंगल है। यहां पे देखिए मैं लिख रहा हूं एंगल 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8। अब सेकंड पार्ट में मैं क्या करने जा रहा हूं, 1 और 2 तो मुझे चाहिए तो मैं इनको चेंज नहीं करूंगा, एंगल 3 की जगह मैं लिखूंगा एंगल 6 बिकॉज आई नीड एंगल 6। उसी तरीके से 4 की जगह मैं 1 लिखूंगा, 5 की जगह 5, 6 की जगह 6, 7 की जगह 2 और एंगल 8 की जगह 5। क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज दे आर इक्वल, मैं यहां पे बता चुका हूं आपको ये इक्वल है। तो अगर आप देखें तो हर एक एंगल दो बार आ गया, दैट मीन ट्वाइस एंगल 1, ट्वाइस एंगल 2, ट्वाइस एंगल 6, ट्वाइस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। उसके बाद यहां पे जब आते हैं तो आप इस 2 को जब 360 के इस साइड लाएंगे तो ये हमारे पास कट जाएगा आपस में और यहां पे आपके पास बच जाएगा 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इफ यू सी एंगल 1 एंड 2, व्हाट इज दिस एंगल 1 + 2, 1 + 2 इज एंगल ए एंड सिमिलरली 5 and 6 इज एंगल सी। तो देखिए ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये फर्स्ट क्लियर हो गया। सिमिलरली वी कैन राइट एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, अदरवाइज आप डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए एंगल 3 और 4, तो अभी तक जो आपने रिप्लेस किया था 3 4 चाहिए मुझे तो मैं 1 और 6 को रिप्लेस करूंगा, मुझे 7 8 चाहिए तो मैं एंगल 2 और 5 को रिप्लेस करूंगा। यही इसकी ट्रिक भी है और इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी कैन से, एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी एंड बोथ आर इक्वल टू 180 डिग्री एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट सम ऑफ द इधर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री।